नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि लगातार लोगों के हमारे पास फोन आते हैं कि जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है उसके लिए जो पॉल्यूशन सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो आखिर असल में पैसे देने कितने होते हैं, क्योंकि कोई पॉल्यूशन सेंटर 3 महीने का पॉल्यूशन काटता है, कोई 6 महीने का पॉल्यूशन काटता है और कोई पॉल्यूशन काट देता है 1 साल का। तो ऐसे में अलग अलग महीनों के लिए अलग अलग पैसे जो ये पॉल्यूशन सेंटर चार्ज करते हैं, असल में ये पैसे हैं कितने। इस समय हम करनाल के बस स्टैंड के नज़दीक नवल किशोर पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, जहां पर करण पॉल्यूशन सेंटर यहां पर है, जो लगातार वाहनों के पॉल्यूशन करता है और पॉल्यूशन में दिखाते हैं कि आखिर पॉल्यूशन कैसे किया जाता है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। ये देखिए पॉल्यूशन कैसे किया जाता है, ये आपको दिखाएंगे, मशीन कैसे इसमें डाली जाती है ये आपको बताएंगे, कैमरे से कैसे फ़ोटो ली जाती है ये आपको बताएंगे, और वो जो मशीन वहाँ पर रखी है वो कैसे साइलेंसर में लगाई जाती है वो आपको दिखाएंगे। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पर करण पॉल्यूशन सेंटर है, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर खोला और इस सॉफ्टवेयर में इन्होंने गाड़ी का नंबर डाला है, कैमरे के सामने नंबर प्लेट को रखा गया है और फिर पॉल्यूशन करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया गया और बकायदा साइलेंसर में ये मशीन डालकर जो पॉल्यूशन है कैसे चेक होता है, कितना ये पॉल्यूशन होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाती है कि कितने महीने का जो ये पॉल्यूशन है ये हो रहा है। ये देख सकते हैं आज 27 नवंबर है और पॉल्यूशन ये काट रहा है 6 महीने का। तो क्या इस पॉल्यूशन की डेट को चेंज किया जा सकता है, क्या पॉल्यूशन की डेट कम या ज़्यादा करने से जो पैसे हैं वो चार्ज किए जाते हैं, आखिर क्या ये पूरे का पूरा जो नुस्खा है वो रहता है। ये देख सकते हैं आप कि इन्होंने कैमरा लगाया नंबर प्लेट के ऊपर, HR05AS9347 इसका पॉल्यूशन दिखा रहे हैं। ये सिर्फ एक सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 27 अगस्त 2021 से ऑलरेडी इसका पॉल्यूशन 26 फरवरी 2022 तक हुआ है। तो का तमाम जो सवाल है उनके जवाब आपको लेकर देंगे जो यहाँ के पेट्रोल पंप के ऑनर हैं कि आखिर पॉल्यूशन कैसे काटा जाता है और क्या पॉल्यूशन के चार्जेस 3 महीने 6 महीने या साल के लिए अलग अलग होते हैं, सरकारी नॉर्म्स इसके लिए क्या कहते हैं और कितने पैसे सरकार द्वारा इसके लिए निर्धारित किए गए। हमारे साथ अक्षत गुप्ता जी। अक्षत जी, सबसे पहले तो इस जानकारी को आप जनता तक पहुँचा रहे हैं मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जो ये पॉल्यूशन सेंटर है इसमें रेट लिखा हुआ है स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए 80 रुपये, पेट्रोल CNG के लिए, पेट्रोल CNG की कार के लिए 100 रुपये लिखे हैं, डीजल ऑटो के लिए, कार जीप बस ट्रक के लिए 100 रुपये लिखे हैं। अब ये एक इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि 3 महीने 6 महीने या 1 साल के लिए पॉल्यूशन होता है। कुछ पॉल्यूशन सेंटर वाले होते हैं जो कहते हैं कि 1 साल का करवाना है तो 200 रुपये लगेंगे, लेकिन 200 रुपये यहाँ नहीं लिखे हुए। ये पूरा सिस्टम क्या है, सरकारी फीस क्या है और कैसे पॉल्यूशन होता है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं किसके प्रति। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बहुत से अनअवेयर लोग आते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता। पहली बात तो मैं बता दूं कि गवर्नमेंट का फिक्स्ड है, देयर इज़ नो, अब वो पहले वाला सिस्टम खत्म हो गया कि बैक डेट में पॉल्यूशन बन जाते थे या कुछ भी हो जाए, हाथ से पर्ची कट जाती थी, पैसे दे के चलान कटते थे लोग बाद में करते थे, वो कोई सिस्टम आज की डेट में मान्य नहीं है। गवर्नमेंट का इकलौता एक ही सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ पे व्हीकल नंबर डालते ही व्हीकल की डिटेल्स सामने आ जाती हैं, उसके बाद अगर उसका ऑलरेडी कटा हुआ है तो वो भी सामने पिक्चर क्लियर होगी कि कितने टाइम का कटा हुआ है। इसमें पॉल्यूशन सेंटर का कोई रोल नहीं है कि वो 3 महीने काटे या 6 महीने काटे। अच्छा, यानी पॉल्यूशन सेंटर ये डिसाइड नहीं करता कि 3 महीने 6 महीने साल का पॉल्यूशन होना है, तो फिर कैसे फार्मूला कैसे सेट होता है? ये सब एज पर द नॉर्म्स, जो व्हीकल की एग्जॉस्ट के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अपने आप ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली उसको उठाता है कि वो 3 महीने के लिए वैध है या फिर 6 महीने के लिए है। पुराना व्हीकल है, BS6 है, BS4 है, ये कुछ नॉर्म्स हैं? ये भी नॉर्म्स हैं। BS6 के नॉर्मली BS6 का एग्जॉस्ट लेवल जो है उसका जो एग्जॉस्ट है वो बेटर है एज कम्पेयर टू पुराने व्हीकल से, तो उसका ऑटोमेटिकली वो 6 महीने उठा लेता है। और कुछ पेट्रोल व्हीकल्स में 6 मंथ्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं।
जाता है। डीजल व्हीकल नॉर्मली 3 महीने के लिए ही वो उठाता है उसका जो अपना सॉफ्टवेयर है। गाड़ियाँ जैसे मेरी अपनी गाड़ी है उसका 1 साल के लिए पोल्यूशन हुआ था, यानी कि अगर मेरा पोल्यूशन ठीक आता है, गाड़ी के नॉर्म्स ठीक है, एग्जॉस्टन ठीक है, तो उसमें उस कैटेगरी को 1 साल के लिए भी कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल, एज पर द नॉर्म्स वो एक्चुअली हमारे हाथ में इसमें अच्छा, आपके हाथ में है करंट पोल्यूशन सेंटर या फिर कोई भी पोल्यूशन सेंटर के हाथ में कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जो भी गवर्नमेंट की जैसे आपकी नॉर्म्स, जो आपके एग्जॉस्ट के लेवल्स होंगे, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल्स हैं, जितने भी उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होता है कि वो 6 मंथ्स होगा या 1 ईयर होगा या 3 मंथ्स होगा। मुद्दा ये है कि मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 1 साल। पैसे यही रहेंगे, पैसों में कोई बदलाव में कोई बदलाव नहीं है, पैसे वही रहेंगे, जो वन टाइम चार्ज है वही रहेगा। ये आपका अगर व्हीकल अच्छा है तो आपके लिए 80 रुपए में साल हो सकता है, व्हीकल की एग्जॉस्ट खराब है तो वो 80 में 3 महीने भी हो सकता है। अगर मान लो किसी का ज्यादा पोल्यूशन आता है, हमें दिख रहा है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, हम चेकिंग करते हैं ज्यादा आता है, तो उस केस में सर्टिफिकेट निकलेगा या नहीं निकलेगा? ऐसा है जी, अगर एग्जॉस्ट लेवल खराब होंगे तो उसमें ये मशीन 100% उसको इनवैलिड शो करेगी, रिजेक्ट करेगी और वो उसके सर्विस के लिए बोलेगी। तो हम यूजुअली हमारे पास एक दो कस्टमर्स आते हैं तो उनको यही गाइड करते हैं कि आप अपना एक बारी सर्विस करवा लीजिए, इसका एग्जॉस्ट लेवल चेक करवा लीजिए। तो आप पास में यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है तो लोग अक्सर चेक करवा के वापस आते हैं तो उनके एग्जॉस्ट लेवल नॉर्मल आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये अक्षत गुप्ता जी ने ये बताया कि पैसों के अंदर कोई बदलाव नहीं है, 3 महीने को साल को 6 महीने और 6 महीने को बदलकर 3 महीने या साल नहीं किया जा सकता। पैसे 80 रुपये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये रहेंगे सर, यानी कि अब अगर कोई पैसे इससे ज्यादा वसूलता है तो वो लूट रहा है। बिल्कुल जी, मेरे हिसाब से लूट ही रहा है। आपके हिसाब से बिल्कुल लूट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया, हमारे को जानकारी दी। हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं जो ये इनिशिएटिव लेकर आज आए थे, जिन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। इन्होंने भी कुछ जानकारी प्राप्त की थी। राजेश जी, यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि हरियाणा सरकार ने कम से कम 80 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये, यानी कि कार के लिए, ऑटो के लिए, बस ट्रक के लिए 100 रुपये और 2 पहिया वाहन के लिए 80 रुपये है। इसका मतलब ये है कि जो ये कहते हैं कि साल का कर देता हूँ जी, इतने पैसे फालतू देते, वो लूट है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, ये ऑफिस से ये जानकारी मिली है कि 2 पहिया वाहन, चाहे स्कूटर हो चाहे मोटरसाइकिल हो, कोई भी हो, उसके लिए 80 रुपये लिया जाएगा। फिक्स है ये। और जो 4 पहिया वाहन है उसमें चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, उसके लिए 100 रुपया लिया जाएगा। बिल्कुल। और जो सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन है, मैनुअल सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। इन पोल्यूशन सेंटर वालों के हाथ में अब कुछ नहीं है, जैसे ही आप गाड़ी की डिटेल डालेंगे सारा का सारा उसकी डिटेल्स फ्लैश हो जाएंगी उसके ऊपर, और उसके सर्टिफिकेट के अंदर ही कितने पैसे आपसे चार्ज करने हैं, 80 रुपये या 100 रुपये, वो अंकित होगा। आप उससे फालतू पैसे बिल्कुल भी ना दें, और वो गाड़ी आपकी मतलब अगर नॉर्म्स को सेटिस्फाई करती है तो 1 साल के लिए आपका बना दिया जाएगा PUC, नहीं तो 6 महीने के लिए बना दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी सुविधा है। और अक्सर लोगों में कन्फ्यूज़न रहता था के हमारे से ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए, और लोग इस दुविधा में रहते थे। आप ये बहुत बढ़िया जानकारी जनता तक पहुंचा रहे हैं कि सिर्फ सरकार की तरफ से 2 ही रेट निर्धारित है, 2 पहिया वाहन के लिए 80 रुपये और हरियाणा में, और 100 रुपये 4 पहिया वाहन के लिए, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल। सर ये इसका मतलब जो लोग ये कहते थे कि भाई साल का कर देते हम 200 रुपये दे दो, फिर तो वो सरासर लूट है, जीटी रोड पे ऐसे ही हो रहा है? बिल्कुल एकदम सरासर लूट है। लोग ऐसा है कि जीटी रोड पे बहुत जल्दी में होते हैं कि फटाफट PUC काट दें हमारा। आप रसीद चेक करें, रसीद के ऊपर जितने पैसे लिखे हो उतने ही दें, आप बहकावे में ना आए। वह PUC सेंटर वाला तो बोल देता है कि जी आपका साल का बना देता हूँ, 200 रुपये लेंगे, वो खुश हो जाता है कि चल भाई 1 साल तक पिंड छुटेगा, और वो बगैर उस सर्टिफिकेट को अपने को देख के 200 रुपये लेके चला जाता है, और फिर पता नहीं कितने महीनों तक उस दिशा में उसका चक्कर नहीं लगता। इसलिए बी अवेयर और लोगों को भी जागरूक करें कि भाई अपना सर्टिफिकेट जरूर देखें, 6 महीने या साल का बनाने की हिदायतें हैं सरकार की तरफ। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से बहुत सारे लोगों को लूट से बचाया जा सकता है। आपके एक शेयर से उन डकैतों के ऊपर कम से कम नकेल कसी जा सकती है जो लोगों के साथ इस तरह की डकैती करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर इनके पास अंदर है, ये देखिए इन्होंने पोल्यूशन सर्टिफिकेट ये निकाले, ये देखिए निकाला भी है पोल्यूशन सर्टिफिकेट, और ये सॉफ्टवेयर है पूरे का पूरा। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये हरियाणा सरकार का डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर जैसे ही गाड़ी का नंबर डालते हैं पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। पोल्यूशन कितना गाड़ी का फिलहाल वो छोड़ रहा है वो आपको बता दिया जाता है, और पोल्यूशन को चेक किया जाता है, और उसके बाद ही
फोटोग्राफ लेकर ऑनलाइन जो पोल्यूशन है वो चेक करके आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको लुटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने रेटों को फिक्स किया हुआ है 80 रुपए दो पहिया वाहन के लिए, और ऑटो हो या कार हो, ट्रक हो या बस हो, उनके लिए सिर्फ 100 रुपए है। और ये किसी के हाथ में नहीं है कि वो 6 महीने का पोल्यूशन काटेगा या 1 साल का, जो सॉफ्टवेयर उठाएगा उसी हिसाब से आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। तो आप मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को हर फोन तक पहुंचाएं, हर जगह तक पहुंचाएं, ताकि कम से कम लोग लुटने से बच सके। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।